हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्टेंस टू एक्सप्लोर। मैं मेरे एक नए वीडियो के साथ वापस आया हूँ आप लोग के सामने, और मैं हूँ अभी मुंबई के बोरीवली नाम के रेलवे स्टेशन पे, और मैं यहाँ से मुंबई टू दिल्ली जाने वाला हूँ गरीब रथ एक्सप्रेस में। और ये ट्रेन छूटती है बांद्रा से शाम को 5:30 पे, और कल सुबह अराउंड 9:30-10 के आसपास ये ट्रेन मुझे दिल्ली पहुँचाएगी। दिल्ली मतलब हज़रत निज़ामुद्दीन। तो गरीब रथ ट्रेन का नाम है, कम रेट में टिकट प्रोवाइड करती है नॉर्मल लोगों को। जो लोग एसी कोचेस में नहीं ट्रैवल कर पाते, जिसका मुंबई टू दिल्ली अगर आप जाओगे थर्ड एसी में तो उसका कॉस्ट होता है अराउंड 1600 to 1700, वही अगर आप ये ट्रेन बुक करोगे, टिकट बुक करोगे, तो इसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 1090 में। तो गरीब रथ का मीनिंग यही है कि जो थर्ड एसी अफोर्ड नहीं कर सकते नॉर्मल ट्रेन में, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ट्रेन लॉन्च किया है गरीब रथ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये ट्रेन जब मुंबई से चलती है दिल्ली के लिए, तो ये ट्रेन का नंबर है 02909 मुंबई से दिल्ली जाने के टाइम। अभी जस्ट यहाँ पे ये ट्रेन आई है, रिसेंटली इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है। ये देखिए ऑटोमेटिक डोर इसका ओपन होता है, तेजस मुंबई न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। अभी जस्ट बोरीवली स्टेशन पर आई है, ये भी न्यू दिल्ली जाएगी। ये अभी निकल रही है, अभी अराउंड 5:30 के आसपास ये ट्रेन बोरीवली आई है, और अभी ये कल सुबह लगभग 8:30 के करीब न्यू दिल्ली पहुंचेगी। ये ट्रेन नंबर है 02952 अप और 02951 डाउन, ये ट्रेन का नंबर है जो अभी इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, ये ट्रेन का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही मज़ा है ये ट्रेन में ट्रैवल करने का, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोचेस स्मार्ट तरीके के इसमें फीचर्स है। अभी जब इसमें ट्रैवल करूँगा तभी ट्रेन के बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा मैं। अभी के लिए बस बाहर से आपको दिखा सकता हूँ, मुंबई न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। ये देखिए ऑटोमेटिकली इसका दरवाज़ा बंद हो गया और ये ट्रेन स्टार्ट भी हो गई। फ्रेंड्स, अभी आगे इन फ्यूचर बहुत से ट्रेनों में या ज़्यादातर ट्रेनों में ऑटोमेटिक डोर ही आने वाला है, तो जो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन 1 या 2 मिनट के हॉल्ट के लिए रुकती है, बिना काम के, बिना अर्जेंट काम के ट्रेन के बाहर ना निकलिए, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। फ्रेंड्स, फाइनली मैंने ट्रेन बोर्ड कर लिया है। ट्रेन का एक्चुअल टाइमिंग था 5:53 का बोरीवली में अराइवल का, बट ट्रेन अराउंड 15 मिनट्स लेट थी। अभी वैसे तो ये रनिंग में कवर कर लेगा टाइमिंग, और मेरा कोच है G2 गरीब रथ थर्ड एसी G2, और मुझे मिला है अपर बर्थ। ये है वॉश बेसिन, पानी आ रहा है इसमें। और ये वेस्टर्न इंडियन स्टाइल का टॉयलेट है। जेट स्प्रे है और प्लस डब्बा भी रखा हुआ है, फ्लश है, फिर फैन भी है अंदर लगाया हुआ, बट फैन काम नहीं कर रहा है। एक अंदर का वॉश बेसिन है,
ये हैंड वॉश भी रखा हुआ है और एक मिरर का टॉयलेट है। इसमें तो फैन काम कर रहा है, वॉश बेसिन है, हैंड वॉश है, टिश्यू पेपर है, डस्टबिन है। ओवरऑल क्लीनलेस ठीक ठाक है, साफ सफाई तो है ट्रेन में। ये एसी कोच का टेम्परेचर है 24-26 डिग्री के बीच में। मैं वापस चल रहा हूँ अपने सीट के तरफ। अभी हम लोग खाने का तैयारी कर रहे हैं, अभी भूख लग रहा है काफ़ी। एक्चुअली 5:30 बजे का ट्रेन था तो हम लोग कुछ खा के निकले नहीं थे घर से और नाश्ता भी किया नहीं था, तो हम लोग अभी खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं। और खाना तो हमने घर से ही लेके आया है, रोटी चपाती सब्जी और थेपला वगैरह घर से लाया। अभी कोविड का वैसे भी सिचुएशन चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो ठीक नहीं है ऐसे टाइम पर बाहर का खाना, तो बेटर है कि अपने घर का ही खाए, वो सही होगा। ये हम लोग तैयारी कर रहे हैं खाना खाने की। तुम की क्या बनाया था मेले, चुप लगना बनी तुमने मुख को देखा ना आ जाता। ये हम लोग तैयारी कर रहे हैं खाना खाने की, घर से प्लेट वगैरह सब लाया है। ये चाय, चाय सच बताओ तो कुछ भी टेस्टी नहीं था, ऐसा लग रहा था काफ़ी टाइम से रखा हुआ चाय है। ये चटनी है घर पे बनाया हुआ, ये मैं घर का बना हुआ खाना खा रहा हूँ। चपाती है, भाजी है, नॉन वेज है, घर का बना हुआ। चलिए खाना खाने के बाद। फ्रेंड्स ये फाइनली हम लोग का फर्स्ट हॉल्ट है मुंबई के बाद। ये ट्रेन बांद्रा से डिपार्ट हुआ था, उसके बाद बोरीवली था फर्स्ट हॉल्ट और ये है सेकंड हॉल्ट। मुंबई के बाहर का अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट हॉल्ट है मुंबई के बाहर का। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सूरत 8:48 पर। अच्छा लग रहा है यार, जब से बोरीवली से निकला था बॉम्बे से बाहर आया ही नहीं था मैं, और अभी बाहर निकला काफ़ी टाइम के बाद। फ्रेंड्स इसको सूरत स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है, यहाँ पे डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग होता है, टेक्सटाइल मार्केट है यहाँ पे, साड़ी ड्रेस पीस। बहुत अच्छा लग रहा है यार बाहर आके। अभी चाहिए क्या अबे, चाहिए कितने का भैया? इसमें खाओ ये लो, चाय का ले लो भाई साहब। और ये गुड्डे बिस्किट है क्या 10 वाला? वो चॉकलेट वाला आता है ना गुड्डे, वो नहीं, चॉकलेट वाला गुड्डे। हाँ तो बोरबन दे दो एक, 10 वाला नहीं है। हाँ तो छोड़ दो, मैंने सोचा था यार चाय के साथ बिस्किट खा लूँगा बोरबोन या गुड्डे, बट जो चाहिए वो अवेलेबल है ही नहीं यहाँ पे। आगे मिलेगा क्या 10 वाला? कहीं भी नहीं मिलेगा। ये मैंने चाय ले लिया है और अब मैं चाय को एंजॉय कर रहा हूँ। फ्रेंड्स मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ और डायरेक्ट कल सुबह आपको मिलता हूँ। जब भी आँख खुलेगी जो भी स्टेशन होगा तभी मुलाकात होगी आपसे। अभी के लिए बाय।
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं भी उड़ गया हूँ। एक्चुअली रात को जल्दी सो गया था, थक गया था बहुत भाग भाग के। एक्चुअली ट्रेन भी लेट आई और प्लेटफॉर्म पे पहुँचने के लिए थोड़ा लेट हो गया था। तो अभी जस्ट उठा हूँ मैं, फ्रेश होके आया और अभी चाय पीने की तैयारी कर रहा हूँ। और अगला स्टेशन अभी मथुरा आने वाला है 8:30 बजे। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मथुरा पहुँच चुके हैं अभी। अभी और एक स्टेशन बचा है, इसके बाद आएगा हज़रत निज़ामुद्दीन। मथुरा पहुँचने का इसका टाइमिंग था 8:20 का, बट हम लोग 10 मिनट जल्दी पहुँच गए। 8:10 पे मथुरा पहुँच गए हम लोग। अभी चाय तो सुबह पी लिया था, देखता हूँ कुछ खाने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है क्या। बहुत गर्मी है यहाँ पे यार, मुंबई में तो थोड़ा ठीक था क्लाइमेट बारिश की वजह से, बट यहाँ पे मथुरा में तो बहुत गर्मी लग रही है। पीछे मेरी ट्रेन है। ये हमारा सेकंड लास्ट हॉल्ट है। निज़ामुद्दीन 9:55 को हम लोग को यहाँ पे पहुँचा दिया। ट्रेन का टाइमिंग था 10:10 का, बट 15 मिनट जल्दी पहुँच गए। फाइनली पहुँच गए दिल्ली। फ्रेंड्स, कुल मिला के हम लोग कल वहाँ से चले थे 6:05 पर और हम लोग यहाँ पे 9:55 को यहाँ पे दिल्ली पहुँच गए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा ट्रेन वीडियो, बॉम्बे टू दिल्ली गरीब रथ 02909, ये ट्रेन नंबर था। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।